Thank you so much for coming here. Thank you so much. Oh, come on. I'm very, very happy. And thank you once again. Yeah, I can read that. This is my happy place. Yes. Well, you met happiness personified. Oh, nice. I'll explain that later why I said it. Yes, yes. Please do that. Pehle mujhe batao ki aap, matlab main aapko kya kahun? Main aapko mental health expert kahun, mind coach kahun. Matlab kis darje se aapko nawaza jaye pehle to? ताकि सबको समझने में भी आसानी हो जाएगी क्योंकि कुछ टाइटल डालना जरूरी है तो यू कैन कॉल मी अ माइंड कोच आई डोंट हैव दैट टाइटल फॉर माय सेल्फ बट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल लोगों के लिए ताकि सबको इजीली समझ में आ सके तो अगर मैं पूछूं कि आप कितने टाइम से ये कर रहे हो यू नो माइंड बीइंग अ माइंड कोच इट्स बीन हाउ लॉन्ग यू डूइंग इट एंड किन-किन लोगों को आपने ट्रेन किया है सो आई विल टेल यू लिटिल बिट अबाउट माय जर्नी यस प्लीज कि मैं दिल्ली से हूं ओके तो एक बहुत ओवर वेट टीनेजर थी तब पहली बार मैंने अपने माइंड की पावर को यूज़ किया था सो आई डिसाइडेड ओवरनाइट कि आई एम गोना लूज द वेट ओके एंड इट लिटरली इट जस्ट वेंट ओके देन अगेन इट हैपेंड दैट मैंने ओवर उसको कर दिया देन आई बिकेम अंडरवेट क्योंकि उस टाइम कोई एजुकेशन नहीं था नोबडी न्यू व्हाट इज फिटनेस डाइट क्या होता है तो ओवर कर दिया तो बाय द टाइम आई वाज 20 आई हैड ऑस्टियोपोरोसिस ओके सो आई कुड नॉट वॉक स्ट्रेट ओके ओके डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप ज्यादा जोर से छींकेंगे भी तो आप यू विल क्रैक योर रिब्स सो यू हैव टू बी दैट केयरफुल तो वो एक बिकॉज़ बिल्कुल आपने बहुत ज्यादा चीजों को ले लिया था क्योंकि एजुकेशन नहीं था उस टाइम वी डिडंट हैव अवेयरनेस और बिल्कुल खाना बिल्कुल छोड़ के सो अदर एक्सट्रीम एंड दैट वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक फेज बिकॉज़ आई वाज यूज्ड टू लव एक्सरसाइजिंग और सडनली आप एक्सरसाइज भी इतना नहीं कर सकते तो मैं एटलीस्ट वॉक करती थी तो एक दिन मैं ऐसे वॉक के लिए जा रही थी तो एटलीस्ट लकीली मैंने एक्सरसाइज नहीं छोड़ा था सो व्हिच एवर वे आई कुड डू मैं कर रही थी And I was feeling sorry for myself कि 20 साल की एज है you're conscious और ऐसे आप चल भी नहीं पा रहे हो ठीक से And in that moment, I saw a kid running towards, running past me and he had very obvious polio. So he was on crutches. So एक significantly एक leg दूसरी leg से छोटी थी and he was joyous and he was running and other kids were chasing him. तो वो moment इतना मेरे को अभी भी vividly याद है That moment, I actually put brakes. So mind में जो चल रहा था उस पर ब्रेक लगाया और सोचा कि यार मेरी तो प्रॉब्लम मुझे पता है वो एक दो महीने की बात है वो रिवर्स हो जाएगा कैल्शियम खा रहे हो आप सब ठीक हो जाएगा Absolutely. But that kid has to live like that for the rest of his life and he can be joyous. और 20 साल की उम्र में अगर ये समझ आ जाए ना तो बहुत significant hota hai correct so that is when the fitness journey I recovered my health and I got certified as a diet and a fitness consultant fir bombay I wahan pe fitness training course kiya then the story was that then I started training people the personal training itna popular nahi tha you started training people in fitness yes fitness physical fitness theek hai but all the time I always used one word for my clients Believe. तब तक मेरे को पता नहीं था कि कैसे काम करता है बट मुझे मैंने देख चुकी थी कि जो चीज मैंने ठानी है वो हो जाती तो हो जाती तो ऑन इन द जर्नी जब पर्सनल ट्रेनिंग का थोड़ा स्टार्ट हुआ सो माय फर्स्ट सेलिब्रिटी क्लाइंट वाज श्रीदेवी श्रीदेवी जी को उन्होंने ट्रेन किया आई ट्रेन्ड फॉर अ फ्यू इयर्स उन्होंने खुशी के बाद काफी वेट गेन किया था तो और जाह्नवी की जो स्कूल टीचर थी ट्यूशन टीचर उनको मैं ट्रेन करती थी तो उनका वेट बहुत ड्रास्टिकली कम हुआ था तो श्रीदेवी जी ने उनको पूछा था कि आपने क्या किया है तो उन्होंने कहा मेरी एक ट्रेनर है करेक्ट सो देन शी सेड मुझे भी मिलना है उनसे सो आई वेंट टू हर आई मेट हर एंड वी क्लिक्ड एंड वी स्टार्टेड ट्रेनिंग सो वाज शी योर फर्स्ट क्लाइंट माय फर्स्ट सेलिब्रिटी क्लाइंट फर्स्ट टाइम आई वाज नर्वस ओह या मीटिंग दी श्रीदेवी ग्रेट श्रीदेवी जी क्या बात है आई विश हर पीस वेयरएवर शी इज एंड देन Because then she's so focused, she used to be so focused and क्या कहते हैं disciplined. तो उनको उनका तो weight तो बहुत जल्दी कम हो गया तो उनको देख के फिर जया जी call me, Mrs. Bachchan call me. जया बच्चन जी जी उनका फिर उनको भी ट्रांसफॉर्मेशन कराना था कल होना हो पिक्चर आ रही थी तो उसमें उनका एकदम नया नया फील ऑफ द कैरेक्टर वॉज करेक्ट सो देन शी लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट सो टूवर्ड्स द एंड ऑफ आवर ट्रेनिंग तो ग्रेजुअली देन अमित जी स्टार्टेड वॉचिंग That was a very big honor कि अमित जी आके he's checking कि workout कैसे करा रही है Correct. तभी वो जया जी ने घर में ही जिम बनाया था तो then over after observing for like 3 months that how I conduct a training then अमित जी asked me Vrinda will you be able to train me oh wow I was like
That's the biggest honor that I can ever get. But Amiji is, then Amiji said, okay, let's train. I trained him for 14 years.